श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे यहाँ इसको शुक्ल एकादशी भी कहते हैं, और कहते हैं ये सती माता ने यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी वो सुख देने वाली थी। निवेदन है आपसे, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेल पत्र की, जो बेल पत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेल पत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेल पत्र की माला बना लो, और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। अतः एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने, कामना को पूर्ण करने। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एकादशी का दिन आ गया है और आप इस दिन क्या उपाय कर सकते हैं, यह इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताया गया है। यदि आपको उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहला उपाय, जिनके यहाँ लक्ष्मी नहीं आ रही हो, पैसा नहीं रुकता हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक लोटा में गंगा जल लेना है और उसमें 7 बेलपत्र डाल लेना है और चले जाना है शिव मंदिर, और शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज बैठे होते हैं उनके पैरों पर वह गंगा का जल समर्पित करना है, और जो आप 7 बेलपत्र ले गए हैं वह 7 बेलपत्र आप शिवलिंग पर शिव जी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपके यहाँ रुपया रुकना चालू हो जाता है। दोस्तों, दूसरा उपाय पीपल के पेड़ का है। दोस्तों, कहा जाता है पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, तो आप एक लोटा जल लें उसमें और चले जाएं पीपल के पेड़ के पास, और वह जल आप पीपल के पेड़ की जड़ों में समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके यहाँ की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और आपकी सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, तीसरा उपाय, यदि आपको लगता है कि आपके यहाँ लक्ष्मी की कमी है, धन आ ही नहीं रहा है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एकादशी की सुबह पूजन के समय भगवान विष्णु या उनके किसी भी रूप को चांदी का सिक्का समर्पित करना है, और पूजन के बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उस चांदी के सिक्के को उठाकर उस लाल कपड़े में लपेट लेना है, और आपको उस पोटली को उस स्थान पर रख लेना है जहां आप अपना धन रखते हैं, जैसे तिजोरी, अलमारी, कहीं भी। ऐसा करने से आपके यहाँ धन की कभी कमी नहीं होती है। चौथा व अंतिम उपाय विवाह से संबंधित है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, बहुत समस्या आ रही है, तो वह एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। आपको करना क्या है, आपको भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल ही समर्पित करना है और चंदन से भगवान विष्णु का लेपन करना है, साथ ही साथ आपको पीले रंग की मिठाई का ही भोग भगवान विष्णु को लगाना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको यह 4 छोटे छोटे उपाय समझ आ गए होंगे। उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।